हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय ग्लैम फैमिली। आज मैंने सोचा थोड़ा व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि पिछले दिन मुझे व्लॉगिंग स्टाइल में वीडियोस बनाना मुझे बहुत अच्छा लगा, खुद को बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है। तो इसीलिए मैं आज भी थोड़ा सा व्लॉग बनाने के लिए आ गई हूँ। मेरे हर एक दिन की व्लॉग में भी मैं छोटा छोटा कुछ टिप्स देने की कोशिश करूंगी और हेल्थ टिप्स भी दूंगी मैं, वर्कआउट भी दिखाऊंगी। तो अभी सुबह का जो काम होता है मेरा, सबसे पहले वो होता है थोड़ा सा मेडिटेशन करना। अभी बजे है सुबह के 7 और मैं थोड़ा सा मेडिटेशन कर लूँगी। उसके बाद मैं अपना डिटॉक्स ड्रिंक जो भी है लेने जाऊँगी, पर सबसे पहले मेडिटेशन, प्राणायाम इज मस्ट। तो मेडिटेशन तो मैंने बेड पे ही कर लिया था एकदम उठते ही, अब थोड़ा सा प्राणायाम कर लेती हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं क्या प्राणायाम करती हूँ। एट फर्स्ट आई एम डूइंग कपालभाति प्राणायाम। मैं बाद में आप लोगों को एक सिर्फ प्राणायाम के ऊपर एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी, जहां पे मैं ये सारे प्राणायाम के बारे में डिटेल्स में बता दूंगी। फिलहाल मैं यही तीनों प्राणायाम हर रोज़ करती हूं और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नेक्स्ट वन इज़ अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये प्राणायाम करने से मुझे एक बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिला है, वो है ये जो सीज़न चेंज के टाइम में अक्सर हम लोग बहुत बीमार पड़ जाते हैं, खास करके सर्दी खांसी ज़ुकाम बढ़ जाता है। तो ये प्राणायाम करने से आप ये सर्दी खांसी ज़ुकाम ये सारे बीमारियों से दूर रह सकते हैं। ये सच में मुझे बहुत इफ़ेक्ट हुआ है इस प्राणायाम का, यह आप ही आजमा सकते हो। द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ भ्रामरी प्राणायाम। ये प्राणायाम भी बहुत फ़ायदेमंद है। मुझे थायराइड का प्रॉब्लम था और मैं ये प्राणायाम को 1 से 2 महीने तक कंटिन्यूसली करता रहा हर रोज़। फिर जाके मैंने देखा कि मेरा थायराइड एकदम नॉर्मल हो चुका था, और हाँ, मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं लिया था, बस ये प्राणायाम किया था और थोड़ी सी डाइट पर ध्यान दिया था, तभी से मेरा प्रॉब्लम एकदम से चला गया। मेरा प्राणायाम हो गया और अब टाइम है थोड़ा पढ़ाई करने की। मैं पढ़ाई कर लेती हूँ अब, क्योंकि मुझे 10 बजे उठना है फॉर वर्कआउट। वर्कआउट करके मैं मेरा ब्रेकफास्ट करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मेरा ब्रेकफास्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि ज़्यादातर दिन मैं कुछ ना कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट ही लेती हूँ। तो चलिए अब थोड़ा पढ़ाई करने की टाइम है, मिलते हैं ब्रेकफास्ट में। तो गाइस, एज यू नो कि ब्रेकफास्ट के पहले एम्प्टी स्टोमक में मैं एक बनाना विथ 3 or 4 आलमंड्स लेती हूँ, जो मुझे वेट लॉस एंड मेंटेन करने में बहुत मदद करता है। तो गाइस, आज के ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है इडली, साथ में सांभर, कोकोनट चटनी एंड टमाटर चटनी भी है। ये टमाटर चटनी का रेसिपी मैं बाद में आप लोगों को बता दूंगी। कोकोनट चटनी का भी सब कुछ घर पर बनाया हुआ है, इवन इडली भी घर पर बनाया हुआ है, और ये बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। हेलो, तो मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट खत्म करके, वर्कआउट वगैरह सब कुछ करके। अभी बजे हैं 11:30 और मैं अब जाऊंगी एक जगह पे। मैंने पहले सोचा था कि आप लोगों को एक सरप्राइज के दौरान उन लोगों को मैं दिखाऊं, उन लोगों से इंट्रोड्यूस करवाऊं, पर फिर लगा कि नहीं, बता ही देते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरे 8 छोटे छोटे बच्चे हैं, जी हाँ, वो सारे पप्पीज हैं। मैं हमारी एरिया में, मतलब जहाँ पे हम लोग अब है वो हमारी एक दूसरा घर है, हमारी एक्चुअल जो घर है यहाँ से लगभग 5 मिनट की दूरी पे है। तो वहाँ पे मेरे 8 बच्चे हैं। हम लोग 2020 जून में यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि वो वाला घर जो है वो रिपेयरिंग हो रहा है, इसलिए कुछ दिन के लिए हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। फिर वहीं पे वापस जाएंगे,
पर मैं उन लोगों को बहुत पहले से ही देखभाल करती थी, इसलिए मैं अब जा रही हूँ उन लोगों को खिलाने। मैं आज उन लोगों से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, अब देखना। और बहुत प्यारे है वो, मतलब मेरे दिल के टुकड़े, मेरे जान है वो लोग। और मैं हर दिन 2 टाइम्स जाती हूँ उन लोगों के पास, उन लोगों को खिलाती हूँ, ट्रीटमेंट करती हूँ, फिर घर वापस आ जाती हूँ। वो लोग वहाँ पे और एक आंटी है जो उन लोगों को देखभाल करती है, पर फिर भी मैं भी करती हूँ। और मेरे घर पे भी वो लोग रहते हैं हमारी एरिया में एकदम। तो चलिए मैं निकलती हूँ उन लोगों को खिलाने के लिए, टाइम हो चुका है उन लोगों का लंच का, तो मैं अब जाऊंगी। तो चलिए उन लोगों से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी मैं आज। ये तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ एकदम निकलने के लिए, उन लोगों को खिलाने जा रही हूँ मैं। और बाहर बहुत ज्यादा धूप है, तो अभी घर पे हूँ, मास्क पहन के बात करना, मतलब आई एम फीलिंग अनकम्फर्टेबल। तो बाहर बहुत ज्यादा धूप है, तो इसके लिए प्रिकॉशंस लेना जरूर, साथ में जहां भी जाओ आप साथ में एक बोतल पानी जरूर रखना, सनस्क्रीन लगाना, और जितना हो सके धूप से बचने की कोशिश करना, मतलब साथ में छतरी जरूर रखना या फिर कैप कोई भी हो, धूप से बचने की कोशिश करना, वरना कभी भी सनस्ट्रोक वगैरह या फिर ज्यादा धूप की वजह से चक्कर भी आ जा सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना, मैंने भी लेके ही निकलूंगी बाहर। तो चलिए ज्यादा बात करके देर नहीं करते हैं, उन लोगों से इंट्रोड्यूस करने का वक्त आ गया। तो गाइस मैं आ गई हूँ मेरे बच्चों के पास, ये है, ये सारे बच्चों की माँ हैं, ये मतलब हेड ऑफ द फैमिली है। और ये लोग, ये जो बच्चे देख रहे हो ये इस माँ की बच्चे हैं, ये बेचारी आंखों में देख नहीं सकती। और ये मेरा सिम्बा, ये बहुत नॉटी है बच्चा सिम्बा, और पीछे जो है वो गुबलू। ये मेरा पोता है, इसका नाम है भुटूस, मैं इसको भुटूस कह के पुकारती हूँ, और ये बहुत प्यारे हैं। ये भी एक बच्चा है, ये आंटी की घर पे है, तो मैं इसको यहाँ पे खिलाने आई हूँ। इसका नाम है मिठाई, और ये आंखों में, दोनों आंखों में ही देख नहीं सकती है। जब पैदा हुआ था तब एक आंखों में देख नहीं पाती थी, अब दोनों आंखों का ही साइट चला गया है इसका, पर ट्रीटमेंट चल रहा है, आई होप ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। हाय गाइस, तो मैं मेरे बच्चों को खिला के आ गई हूँ, अब बजे है लगभग 1 बजे होंगे शायद। तो उन लोगों को खिलाना मतलब मानो एक वार की बराबर होता है, फिर भी मेरा मामा अभी है मेरे पास, तो इसलिए उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रहा है। तकलीफ की कोई बात नहीं है, वो लोग मेरे इतने प्यारे हैं तो तकलीफ की कोई बात नहीं होता। मैं बहुत खुशी से ही उन लोगों की पाल पोस करती हूँ, बट अब मेरे पास 8 बच्चे हैं, तो उनमें से 6 महीने से कम उम्र की ज़्यादा है बच्चा,
तो उन लोगों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर भी चलो चलते हैं। तो अभी मैं आई हूँ और बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी है बाहर। प्लीज गाइस, इस गर्मी में खुद को मेंटेन करना, जितना हो सके खुद को हाइड्रेटेड रखना और स्किन को भी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो मुझे 2 बजे के अंदर लंच कंप्लीट करना है, अब बजे हैं 1। तो गाइस मैं आ गई लंच खत्म करके, अभी बजे हैं लगभग 2:30 बजे हैं। अब थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि पापा के लिए इंतज़ार कर रही थी और पापा आने के बाद मैंने लंच ख़त्म किया। अब मैं लंच के बाद जो लेती हूँ वो आई विल सजेस्ट यू कि आप भी ये ज़रूर लें, क्योंकि समर में ये लंच के बाद या फिर कभी भी लेना बहुत इफेक्टिव होता है। तो देखते मैं क्या लेती हूँ। या गाइस, आई हैव टेकन सम दही विथ रॉक शुगर या मिश्री इसके साथ। एक्चुअली मैं दही पे स्वीट ज़्यादा नहीं डालती हूँ, मैं दही बस ऐसे ही, मतलब थोड़ा सा ब्लैक पेपर के साथ लेना मुझे ज़्यादा पसंद है दही। बट आज थोड़ा मूड हुआ कि थोड़ा मिश्री के साथ ले लूँ, थोड़ा मीठा ले लूँ दही के साथ, इसलिए थोड़ा मीठा ले लिया। इस पर कोई बड़ी बात नहीं, आप भी ये मिश्री या फिर थोड़ा जगेरी पाउडर ऐड करके दही ले सकते हो, बहुत अच्छा होगा। तो गाइस अब बज चुका है 5:30 PM, यानी कि गुड आफ्टरनून। मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, सो नहीं गई थी बस लेटी रही थी। अब मैं मेरी फेवरेट शाम वाली चाय लेके आ गई हूँ आपसे थोड़ा बात करने। वैसे तो इस वक्त कुछ करने का होता नहीं है, थोड़ा पढ़ाई करूँगी थोड़ी देर बाद, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं आप लोगों से, बातचीत कर लेते हैं। और फिर शाम को मैं जाने वाली हूँ, 6:30 बजे मुझे अपने बच्चों को खिलाने जाना है, फिर उन लोगों के साथ थोड़ा खेलना है। और शाम को एक्चुअली वहाँ पे लाइट नहीं होता तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगी, और जब लाइट लग जाएगा अच्छा सा तब मैं ज़रूर शाम को भी उन लोगों का जो हरकतें होते हैं मैं ज़रूर शूट करूँगी बाद में। तो इस वक्त मेरा वर्कआउट हो गया है योगा, तो इस वक्त करने का कुछ नहीं है। और जैसे कि मैं इंटरमीडिएंट फास्टिंग कर रही हूँ तो इस वक्त मैं स्नैक्स भी नहीं लेती हूँ, पर आप लोग जो नेचुरल डाइट पे हो इस वक्त एक छोटा सा स्नैक्स आप ले सकते हो, काली चना चाट ले सकते हो, बॉयल्ड एग चाट ले सकते हो, या फिर एक या दो बॉयल्ड एग ले सकते हो। जो लोग वर्कआउट करते हो इस वक्त वो प्रोटीन वाला कुछ भी खाना ले सकते हो, सिंपल प्रोटीन हो जिस पे। आज मंडे है मैं जब शूट कर रही हूँ, मैं लगभग संडे को चीट करती हूँ, चीट मील मेरा संडे को रहता है, बाकी दिन मैं कोशिश करती हूँ मेंटेन करने की। वैसे तो मैं बहुत फूडी हूँ, मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ खाने का बहुत मन करता है, बट क्या करें वेट मेंटेन भी करना पड़ेगा, इसलिए कोशिश करती हूँ कि हेल्दी खाना खाने की। और हर वक्त अगर मैं आप लोगों से भी ये एडवाइस दूँगी, एडवाइस नहीं सजेशन, कि हर वक्त अगर आपको लगे कि कुछ ना कुछ खाए, ये मेरी तरह बहुत लोग होता है कि उन लोगों को लगता है कि हर वक्त कुछ ना कुछ अगर हो तो अच्छा होगा, तो साथ में ड्राई फ्रूट्स रखना, मतलब डेट्स, खजूर, पीनट्स, या फिर काली चना, थोड़ा सा बॉयल्ड काली चना, या फिर कैश्यू होता है वो रख सकते हो आप, आलमंड, वॉलनट वगैरह, ऐसा कुछ खाना। मैं अक्सर जब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ खाऊं अक्सर, तो मैं अक्सर कैश्यू खाती हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, फ़िलहाल मेरा चाय बहुत गर्म है, मैं इसको पी नहीं सकती, तो कुछ देर के लिए मैं इसको साइड में रख देती हूँ। वैसे तो मैंने सोचा था कि छत पे जाके ये शूट करूँ, सनसेट भी देखनी थी मुझे, पर जब मैं खिड़की खोली तब मैंने देखा कि सनसेट हो चुका है और चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज छोड़ देती हूँ। और बाहर अभी भी बहुत गर्मी है, बाहर मतलब गर्मी नहीं है, अब सुबह का जो गर्मी थी दिन का वही अब बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इस वक्त
खुद को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, हाइड्रेटेड रखें खुद को जितना हो सके। और मैं कुछ समर स्पेशल ड्रिंक के बारे में भी आप लोगों को बता दूँगी बाद में कभी। और जो थोड़ा बहुत मुझे पता है कि इस वक्त आप क्यूकम्बर ले सकते हो, स्नैक्स के दौरान भी ले सकते हो। उस पर हम ज़्यादातर क्या करते हैं, क्यूकम्बर लेते हुए उस पर हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं। प्लीज़ ये मत करना, सॉल्ट बहुत ही अनहेल्दी होता है, एडेड सॉल्ट। ठीक है, कुकिंग पे तो डालना ही पड़ता है, वो क्या करें, बट एडेड सॉल्ट इज़ नॉट हेल्दी। तो सॉल्ट ऐड करके मत खाना क्यूकम्बर को, बस ऐसे ही खाते रहना। समर में वो बहुत अच्छा होता है, सीजनल फ्रूट्स ले सकते हो। मुझे तो इस वक्त अंगूर आता है और मुझे अंगूर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इस वक्त लेती हूँ। आप इस टाइम फ्रूट्स ले सकते हो। ओ, यही सारे करते रहती हूँ शाम को। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगी अगले दिन भी व्लॉगिंग स्टाइल में कुछ बनाने की। अब अंधेरा होने जा रहे हैं तो आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मेरे हर एक दिन की व्लॉग में भी मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ टिप्स, हेल्थ टिप्स और वर्कआउट टिप्स कुछ ना कुछ देती रहूँगी। और अगर अच्छा लगा है मेरा वीडियो, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब के बाजू वाले बेल को भी दबा देना। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और स्टे फिट स्टे हेल्दी।